गाइस नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडहॉक यानी संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, कितनी सैलरी होती है, क्या संविदा पर लगे हुए एडहॉक पर लगे हुए जो टीचर्स हैं क्या वो परमानेंट हो जाते हैं, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी सैलरी क्या है, कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कैसे होता है, और किन किन लोगों से अच्छे संबंध रखने हैं ताकि आपकी नौकरी लगातार जारी रहे। मतलब ए से लेके जेड तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो संविदा पर एडहॉक पर जो टीचर लगते हैं उनके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहना और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एडहॉक के लिए, इन सभी के बारे में बात करने वाला हूं। तो लगातार आप बने रहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरा इन यूनिवर्सिटियों से नाता रहा है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडहॉक की जो वैकेंसी आती है वो कब आती है। देखिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में साल में दो बार पैनल बनता है। पहला जो पैनल बनेगा वो है मार्च अप्रैल के बाद फॉरम आते हैं, और दूसरा जो आएगा नवंबर दिसंबर में। तो दो बार यहां पर फॉरम अप्लाई कर सकते हो। ये फॉरम आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और ऑनलाइन के बाद इसको हार्ड कॉपी है जो बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड आपको डिपार्टमेंट में जमा करानी होती है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडहॉक का फॉरम लगाना चाहते हो। जैसे कि मान लो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको लगानी है, तो आपका जो फॉरम फिल करने के बाद विद डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर सबमिट कराना होगा। अच्छा एक बात सुनो, डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्रियां भी साथ होनी चाहिए। आपकी अंक तालिका तो साथ रहेगी रहेगी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जैसे बीए की डिग्री हो गया, बीएससी की डिग्री होगी, एमएससी की डिग्री होगी, ये डिग्री भी आपको साथ के साथ यहां पर चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, और आगे सारी डिटेल में बात करने वाले हैं एडहॉक कहां तक जाएगा वो सब, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो है कि आपका पीजी हो, जो क्राइटेरिया आपका होता है 50% वाला, जो जनरल एसटी एससी आप लोग जानते ही हो, पीजी हो और खाली नेट हो, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आप एमफिल हो, पीएचडी हो तो सोने पे सुहागा है, तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अच्छा सुनो, एपीआई स्कोर से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो आपका एपीआई स्कोर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपका पीएचडी है तो आपके 30 नंबर मिल जाएंगे, या फिर आपका कहीं भी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके पेपर पब्लिक्स हैं तो उसके भी आपके नंबर मिलते हैं। यानी कि आपका एपीआई स्कोर भी अच्छा और ठीक ठाक होना चाहिए, इतना आप है आपके पास में, तो आप अप्लाई कर सकते हो डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के एडहॉक के लिए। चलो यहां तक तो हमने अप्लाई कर दिया है। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद एक लिस्ट आती है, उससे पहले पैनल की लिस्ट कि आपकी रैंकिंग उसमें क्या है, यानी कि आपकी जो एपीआई के स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग क्या है। तो पैनल में आपकी जैसे रैंकिंग आ जाएगी, फिर क्या आएगी, ये जो सर्किल है वो कॉलेजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज है, जैसे कि आप सभी को पता है। अब वो कॉलेजेस देखो दो तरीके के निकलते हैं, आप डिपार्टमेंट के लिए भी लगा सकते हो, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए भी और कॉलेजों के लिए भी लगा सकते हो। अब कॉलेजेज सर्कुलर जारी करती हैं अपनी वेबसाइट पर, ध्यान रखना आपको बार बार चेक करते रहना होगा। ये नहीं कि इन लोगों ने अभी तो क्या पिछले लास्ट ईयर से क्या किया इन लोगों ने, एडहॉक के लिए भी ये डीयू की वेबसाइट पर डालने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि सभी कॉलेजेस की अपनी वेबसाइट बनी हुई है, तो वहां पर ये डाल देते हैं कि भाई हमारे हिंदी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का उस दिन इंटरव्यू होने वाली है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपको पहुंच जाना है इंटरव्यू देने। अच्छा इंटरव्यू जैसे ही आपकी हो जाती है, तो इंटरव्यू होने के एक या दो दिन के बाद में ही आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। पर इंटरव्यू अच्छी तरीके से देना आप लोग, और इंटरव्यू कैसे देते हैं मैंने वीडियोज बना रखे हैं, आपको पता ही होगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उन वीडियोज को जरूर देखना। मेरा जो इन यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने वीडियोज बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो उन वीडियोज को भी एक बार जरूर से देख लेना। अब मान लो कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपने इंटरव्यू दे दिया, फॉर्म लगा दिया और आपने इंटरव्यू दे दिया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। कुछ इंटरनल जो बात चलती है, जो राजनीति चलती है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उनसे कैसे बचना है। अगर उनसे बचोगे तभी आप एडहॉक में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, मतलब बीच में कहीं बता दूंगा, आप बने रहिए। अब मैं बात करता हूं कि ज्वाइनिंग कितने दिन के लिए होती है। दोस्तों मैं बड़े स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहूंगा कि ये एडहॉक की जो ज्वाइनिंग होती है प्रत्येक 4 महीने के लिए होती है, यानी कि 4 महीने तक आपको पढ़ाना पड़ता है लगातार, बीच में एक दिन की छुट्टी दे दी जाती है, आपको सैलरी नहीं मिलती उस दिन की, और आपकी फिर से रीजॉइनिंग होती है।
अगर आपसे संतुष्ट है स्टाफ, तो अगर आपसे बच्चे संतुष्ट हैं, अगर आपसे प्रिंसिपल संतुष्ट है, तो आपको रीज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, अन्यथा नहीं करवाई जाएगी। अगर आप पढ़ाने में उतने अच्छे नहीं है, आपसे संतुष्ट नहीं है प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल ही और स्टाफ से तो कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल आपसे संतुष्ट नहीं है या फिर बच्चे आपसे संतुष्ट नहीं है, तो आपसे आपको नहीं लिया जाएगा। अगर सब कुछ आपके लिए सही है तो आपको रीज्वाइनिंग करवा दी जाएगी 4 महीने के बाद में। तो आपको 4-4 महीने के ब्रेक के आधार पर यह मिलने वाला है। अच्छा, मैं एक बात सुनो, बड़ी ध्यान से सुनो, ये जो एक्सपीरियंस है, चाहे आपने 10 साल पढ़ा लिया है डीयू में, अब पर वो 4-4 महीने के अंतर्गत आता है, इसीलिए कभी भी आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। बड़े ध्यान से, स्पष्ट तौर से कान खोलकर सुन लो आप लोग, ये सब मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, क्योंकि इन चीजों से मैं गुजरा हूं, मुझे पता है कि आपका 4-4 महीने का जो आपका बॉन्ड होता है यहां पर, वो पूरे साल का नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ये एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप कहीं भी किसी अन्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये बात बड़े गौर से सुनने की है। सैलरी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कितने समय तक हमें पढ़ाना होता है, यानी एक वीक में हमें कितना पढ़ाना होता है। डीयू में एडॉग पर जो संविदा पर जो शिक्षक काम करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको वीक में मिनिमम 16 घंटे पढ़ाना होता है। क्या 16 घंटा पढ़ाना होता है कि उनको वीक में 16 घंटा पढ़ाना होता है। अब आप कहोगे सर फुल डे कॉलेज में बैठा रहना पड़ता है क्या? ऐसा भी नहीं है। आपकी क्लास जब हो, यानी कि अगर आपकी क्लास 2 बजे है तो आप 2 बजे पहुंच जाओ, आपको 10 बजे जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपकी क्लास में हाजिर हो जाओ, वैसा आप इतना है कि आपकी जब भी क्लास होती है आप लोग क्लास में हाजिर हो जाओ, ये काफी है। तो पहले जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपका जब जब क्लास हो तब तब आप चले जाओ और अपने घर रहो या कोई काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है डीयू को भी और कॉलेज को भी। तो आप जब भी आपकी क्लास हो तब आप वहां पर पहुंच जाया करना, ठीक है? ये बात समझ गया यहां तक। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आप चाहते हो कि दो तरीके की फैकल्टीज होती है, तो एडहॉक फैकल्टी होती है, गेस्ट फैकल्टी होती है। अगर आप चाहते हो गेस्ट फैकल्टी के बारे में डिटेल में बताऊं मैं आपको कि कैसे गेस्ट टीचर बन सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप उसके लिए कमेंट्स करके मुझे जरूर बताओ कि यार मैं आपके लिए गेस्ट टीचर के बारे में भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। एडहॉक या संविदा पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी सैलरी पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा होता है। ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, यानी कि अगर आपका पहचान वाला है प्रिंसिपल, या अगर आपके अच्छे कॉन्टेक्ट हैं यूनिवर्सिटी में, आपका मतलब आपने अगर डीयू से पीएचडी की, आपके गाइड मजबूत हैं, तो वो आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडहॉक पर लगवा सकते हैं। यानी कि भाई भतीजावाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा है। अब एक बात दूसरी ये सुन लो, चाहे आप एडहॉक पर लग रहे हो, चाहे आपकी पूरी स्टाफ से नहीं बनती, आपकी दुश्मनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एक बात तो यह है कि स्टूडेंट संतुष्ट होने चाहिए, और दूसरी बात यह कि थोड़े बहुत लिंक अगर आप प्रिंसिपल से रखते हो तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। कई बार ऐसा होता है एडहॉक के टीचर अपने प्रिंसिपल से मिले मिले 2-2 महीने हो जाते हैं, कोई काम नहीं पड़ता है, कोई काम ही नहीं पड़ता, स्टाफ से नहीं मिलता, कोई काम ही नहीं पड़ता है, मुझे पता है ना, कोई काम नहीं पड़ता एक दूसरे से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेज होती है ना, किसी भी टीचर परमानेंट टीचर को भी सभी बच्चे नहीं जानते। आप ये सोच रहे होगे कि यार हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनके 3 मार्क लेंगे, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट टीचर की नई फैकल्टी को पूरे बच्चे भी नहीं जानते, 400-500-300 लोग ही जान पाते हैं, और वो भी शक्ल से जानते हैं, नाम से नहीं जानते उनको। यानी कि जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो ही जान पाते हैं, अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। पर सैलरी बड़ी मस्त मिलती है यार, इसमें कोई डाउट नहीं, सैलरी बड़ी शानदार मिलती है, जानदार मिलती है, धमाकेदार मिलती है यार। जो सैलरी जो मिलेगी वो आपके एपीआई स्कोर पर भी काम करेगी, लेकिन जो शुरुआती सैलरी मिलेगी वो 57,700, ध्यान से सुनो, 57,700। अगर आप चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी कितनी मिलती है डीयू में, कितनी मिलती है जेएनयू में, कितनी मिलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कितनी मिलती है अलग अलग जगह कितनी कितनी मिलती है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं एक वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के ऊपर बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं एडहॉक के बारे में। एडहॉक में जो सैलरी मिलती है 57,700 प्लस, ध्यान से देखो,
ये तकरीबन 90,000 सैलरी मिलती है, तकरीबन 90,000 के आसपास सैलरी मिलती है। तो 90,000 बन कैसे रही है, यानी आपके हाथ में 90,000 आएंगे, ये बताओ कैसे आ रही है। 57,700 तो जो बेस पे है वो मिलेगी, इसके अलावा वो मिलेगा क्या कहते हैं एचआर मिलेगा, जो दिल्ली में अभी जो भी सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ पर एचआर मिलेगा, टीएडीए मिलेगा, ऐसा मिलाकर मतलब आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 90,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एडॉक के लोगों को निकाल दिया जाता है, नहीं। अगर आपका अगर वर्कलोड है, ध्यान रखो वर्कलोड है, अगर वर्कलोड है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर और अगर आप जो पढ़ा रहे हो वो संतुष्टजनक है, संतोषजनक है तो आपको नहीं निकाला जाएगा। मेरे कई मित्र पिछले 5 साल से डीयू में पढ़ा रहे हैं लगातार, मेरे कई मित्र हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में 5 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं और उनको कोई निकाल नहीं रहा है। ऐसा निकालने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बच्चे आपसे संतुष्ट रहते हैं तो आपको कोई निकालता नहीं है, इतना तय है। लेकिन बशर्ते आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, इतना जरूर यहां पर देखा जाएगा बस। तो दोस्तों उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि यार ऑनलाइन फॉर्म लगते हैं, फॉर्म के बाद में जो प्रिंट होता है हार्ड कॉपी विथ डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है, चाहे बाय हैंड जमा करा दो चाहे आप बाय पोस्ट जमा करा दो, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यूज होते हैं जो कोई सूचना नहीं मिलती है, आपको वेबसाइट को लगातार चेक करना होता है, आपके पास ये नहीं सोचना कि यार हमारे पास मेल आ जाएगा कॉल आ जाएगा, इस गलत फहमी मत रहना भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसका नाम, समझे। तो आपको मैन्युअली चेक करना रहता है और आप चले जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, जैसे ही आप इंटरव्यू देखो 1-2 दिन के अंदर ही आपको फिक्स कर लिया जाता है कि फलाने को लेना है फलाने को नहीं लेना है, तो आपको बुला लिया जाता है कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बस उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चुके हो और वहां पर आप तो तहलका मचा ही दोगे, फिर क्या दिक्कत है। मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट होना आवश्यक है, हाँ अगर इससे ज्यादा आप हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और सुनो अगर आप प्रिंसिपल से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना तो प्रिंसिपल आपको नहीं लेगा। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी मजेदार यूनिवर्सिटी है यार, कई बार क्या होता है प्रिंसिपल से भी ज्यादा आपके जनरल पब्लिक हो चुके हैं, यानी आप प्रिंसिपल से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, प्रिंसिपल से ज्यादा आपका स्कोर बन रहा है, मतलब एक तरीके से मतलब एक्टिव आदमी हो, तो प्रिंसिपल ऐसे लोगों को भी नहीं लेता है। ये भाई इंटरनल बात है, कभी कभी क्या है कि ज्यादा इंटेलिजेंस भी खतरनाक होती है, तो मतलब आप तो यार स्टूडेंट हो सामान्य तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो मतलब और बहुत से जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं बड़े ज्ञानी होते हैं विद्वान होते हैं बहुत तगड़े प्रकांड होते हैं, भाई वो हल्के आदमी को नहीं लेते हैं, वो टॉप लेवल लेते हैं टॉप, उनको अपनी कॉलेज चलानी होती है। तो मतलब दोनों चीजें हैं यार डीयू में, डीयू मतलब अपनी दोनों चीजें हैं। तो इस तरीके से आप संविदा पर यहां पर लग सकते हो, अगर आप चाहते हो कि एडॉक के बाद में गेस्ट कैसे बने, या फिर और भी अगर आपको चाहिए कि सैलरी पर कोई वीडियो बने, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं डॉक्टर लोकेश बाली आपसे विदा लेता हूं, तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।